नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां अखिलेश यादव नहीं जा रही दिल्ली। कल सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन भेजा था और सीबीआई ने अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। गवाह के तौर पर सीबीआई ने पूछताछ के लिए अखिलेश यादव को बुलाया और यूपी के खनन घोटाले के मामले में सीबीआई जांच कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव को सीबीआई ने कल समन भेजा है। तो यूपी में खनन पट्टों के आवंटन के मामले में पहले हो चुके हैं कई सीबीआई के छापे और खनन घोटाले के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दी कि अखिलेश यादव दिल्ली नहीं जाएंगे। तो सीबीआई ने अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव दिल्ली नहीं जा रही हैं। कल सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन भेजा था और इस पूरे मामले पर आज पूछताछ होनी थी। अखिलेश यादव को दिल्ली सीबीआई ने बुलाया था। तो यूपी के खनन घोटाले के मामले में सीबीआई जांच कर रही है और यूपी में खनन पट्टों के आवंटन के मामले में भी पहले सीबीआई के कई छापे पड़ चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि खनन घोटाले के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति पहले से ही जेल में है और अब अखिलेश यादव को सीबीआई का समन आया है और अब अखिलेश यादव की तरफ से यह भी जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव दिल्ली नहीं जा रही है। तो सीबीआई ने अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था और गवाह के तौर पर सीबीआई ने अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए दिल्ली इस पूरे मामले में बुलाया था। यूपी में खनन पट्टों के आवंटन के पूरे मामले में पहले भी कई सीबीआई के छापे पड़ चुके हैं और अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई का समन आया है। तो कल सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन भेजा था और सीबीआई ने अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। और चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्कंदिता मिश्रा हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, कल सीबीआई की तरफ से अखिलेश यादव को खनन मामले में समन आया था, लेकिन अब ये जानकारी कि अखिलेश यादव दिल्ली नहीं जा रही है पूछताछ के लिए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, यूपी खनन घोटाला वो गले की फांस बना हुआ है जो ना निकलने का नाम ले रहा है और उसी की वजह से सियासत में हलचल मची हुई है। और अखिलेश यादव को अब तलब कर लिया गया था सीबीआई की तरफ से, जहां पर सीबीआई ने अखिलेश यादव को गवाह के तौर पर दिल्ली बुलाया था, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं। एक गवाह के तौर पर सीबीआई ने अखिलेश यादव को बुलाया था, लेकिन अखिलेश यादव लखनऊ में ही है, उन्होंने दिल्ली जो है वो नहीं जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, यूपी खनन मामला जो है काफी लंबे समय से इस मामले की जांच चल रही है। यूपी में जो खनन मामले में जो आपको बता दें पट्टे आवंटित हुए थे, उसको लेकर सीबीआई लगातार जांच कर रही है और इसी मामले में आपको बता दें गायत्री प्रजापति जेल में है और उस जमाने की आपको बता दें कई आईएएस उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। उनके कई ठिकानों पर जो है छापे भी पड़े थे, जिसमें वी चंद्रकला का नाम भी था और भी तमाम लोग हैं जो इस शिकंजे में थे। लगातार सीबीआई जांच कर रही है और पूछताछ के लिए भी लोगों से संपर्क कर रही है और इसी क्रम में अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, गवाह के तौर पर बुलाया गया था कि वो अपना जो स्टेटमेंट है वो दर्ज कराएं कि उनका क्या स्टेटमेंट है यूपी खनन घोटाले को लेकर। लेकिन अखिलेश यादव जो है वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, फिलहाल यही जानकारी निकलकर सामने आ रही, जहां अखिलेश यादव ने जो है जाने से नहीं जा रहे हैं वो कुल मिलाकर। और 2016 से इस मामले को लेकर लगातार जांच चल रही है, जिसमें आखिर दिल्ली न जाने के पीछे की वजह क्या अखिलेश यादव ने बताई है कि वो दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं। समन आया सीबीआई की तरफ से, पूछताछ होगी उनसे। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव ने इस पर कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे जो है समन और ये तमाम चीजें जो है सीबीआई और ईडी जो है वो एकदम से निकलकर सामने आ जाती है, तमाम सवाल खड़े होने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार इसी तरीके के बयान देती हुई नजर आ रही है कि चुनाव से पहले, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, तो ऐसे में उससे पहले सरकार जो है वो डराना चाहती है ईडी सीबीआई से, और इसी के क्रम में ये अखिलेश यादव को बुलाया गया है। ये समाजवादी पार्टी
की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, लेकिन सीबीआई ने जो है गवाह के तौर पर अखिलेश यादव को बुलाया था, जिसमें अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं और इस मामले को लेकर लगातार जांच चल रही है। 2016 से जांच चल रही है और अभी तक यूपी खनन घोटाले को लेकर सीबीआई लगातार जांच में जुटी हुई है, जिसको लेकर कई ठिकानों पर जो है छापे भी मार चुकी है, जिसमें से कई आईएएस भी थे और अभी भी जो है इसको लेकर लगातार जांच चल रही है और इसी क्रम में सपा मुखिया को भी सीबीआई ने दिल्ली बुलाया था। चलिए ठीक है स्कंदिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।